यूपी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और लखनऊ के मोहनलालगंज में बने राधा स्वामी सत्संग व्यास को क्वारंटीन सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है। पूरे सत्संग एरिया को प्रशासन की ओर से अधिग्रहण किया गया है। राधा स्वामी सत्संग व्यास क्वारंटाइन सेंटर में 2000 लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था हो रही है। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर 5000 तक लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका निरीक्षण किया। राधा स्वामी सत्संग व्यास को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लगभग 100 सेवादारों ने सहयोग भी किया है। कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार इसको लेकर के युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां भी कर रही हैं। जैसे कि आपको बता दें, इस समय राजधानी लखनऊ के हम राधा स्वामी सत्संग व्यास में हैं और यहां पर इसको एक्वायर किया गया है सरकार द्वारा। यहां पर लगभग 2000 लोगों को क्वारंटाइन कर रखा जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए पूरी तैयारियाँ भी की जा रही हैं, किस तरह से जो सैनिटाइज है वो किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है और लगातार जो गद्दे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। बाकायदा सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए नंबर भी डाला गया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि हर एक बेड के आगे नंबर पड़ा हुआ है और इसको पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ के जो सचिव हैं वो मौजूद हैं, अरोड़ा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूरा किस तरह से पूरी तैयारियाँ की गई हैं इसको लेकर के, जो एक तरह से क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया जा रहा है? प्रशासन ने हमसे 2000 लोगों के क्वारंटाइन के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसको कि पूरा तैयार करके हम प्रशासन को हैंडओवर किया है। इसमें तकरीबन हम लोगों ने 20 ब्लॉक्स बनाए हैं। 20 ब्लॉक में एक ब्लॉक में 100 बेड्स लगे हैं। इस तरीके से ये पूरी तैयारी हम लोगों ने करके दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का जिस प्रकार से प्रशासन ने कहा उसका ध्यान रखा गया है। इसमें खाने पीने की सुविधा, टॉयलेट, शौचालय की सुविधा, ये सारा कुछ, पानी, पावर बैकअप, ये हमारे सत्संग की तरफ से निःशुल्क प्रशासन को दिया जा रहा है। आगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करेगा। आज हम SDM मोहनलालगंज को ये हैंडओवर किया है हमने, और आगे से उनका अपना स्टाफ यहाँ बैठेगा और हमारे सेवादार मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सर, इस पूरी तैयारी में आपके लगभग कितने सेवादार लगे हैं? हम लोग यहाँ पे किचन भी चला रहे हैं, जो कम्युनिटी किचन चल रही है हमारी, जिसमें 15000 लंच पैकेट्स, 15 से 20000 लंच पैकेट्स हम बनाते हैं और प्रशासन को देते हैं। प्लस ये क्वारंटाइन सेंटर जो हमने तैयार किया है, इसमें तकरीबन 80 से 100 सेवादार रोज़ आते हैं, जिसका कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशंस, हैंड वॉश, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरी अच्छे से अच्छी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से हमारे सेवादार काम करें। सर, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या 2000 से भी अधिक लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन करके रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति अगर? हमारी कैपेसिटी तकरीबन 5000 तक की है। अगर प्रशासन चाहेगा तो हम इसको एक्सपेंड करके 5000 तक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ देखा आपने, बताया कि किस तरह से जो प्रशासन को हैंडओवर कर दिया गया, फिलहाल 2000 लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन करके रखा जा सकता है। हालांकि बताया गया, जिस तरह से यहाँ पर जो सचिव थे अरोड़ा जी, उन्होंने बताया कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो ये 2000 की जो संख्या है इसको बढ़ाकर यहाँ पर 5000 तक लोगों को क्वारंटाइन कर यहाँ पर रखने की व्यवस्था की जा सकती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। वहीं इस क्वारंटीन सेंटर में कम्युनिटी किचन भी तैयार किया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया है, देखते हैं। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, ऐसे में जगह जगह बड़े बड़े आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में जो राधा स्वामी सत्संग की जगह है उसको भी क्वारंटाइन सेंटर में के लिए प्रशासन ने अपने पास ले लिया है। यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोगों के लिए यहाँ से खाना भी बनता है। लगातार यहाँ देख रहे हैं किस तरह से जो महिलाएँ हैं वो काम करती हुई नज़र आ रही हैं, रोटियाँ सेक रही हैं, तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ से खाना भी जाता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? उमा। उमा जी, जिस तरह से पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, कितने लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है? 6 से 7 हज़ार तो खाना जाता है। सुबह से ही सेवादार आ जाते हैं 4 बजे से ही, और सारे दिन से लोगों के लिए खाना जा रहा है। अच्छा, सरकार ने जो क्वारंटाइन सेंटर के लिए इसको लिया है, पूरा जो आपका राधा स्वामी का जो एरिया है उसको लिया है, तो लगभग कितनी कैपेसिटी वाला है, यहाँ पर कितने लोगों को? जी बिल्कुल, आप बताइए। 2000 का। 2000 लोग यहाँ पर? तो ऐसी अगर आपातकालीन कोई स्थिति आती है तो ऐसे में 2000 लोगों रहने के लिए और खाने के लिए पूरी व्यवस्था होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त। और क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं यहाँ पे? सब साफ सुथरा है, बहुत हर तरह चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो बिल्कुल, यहाँ देखा आपने कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लगातार सरकार द्वारा जो है वो कवायतें की जा रही हैं। ऐसे में जो अब इस तरह की बड़ी जगह हैं उनको एक्वायर किया जा रहा है, उनको लिया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, जो लोग क्वारंटाइन करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ भी लगभग 2000 लोगों को क्वारंटाइन करके रखा जा सकता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।
इस क्वारंटीन सेंटर को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। फायर ब्रिगेड की सहायता से पूरे सत्संग एरिया को सैनिटाइज करने का भी काम हो रहा है। इधर से राधा स्वामी सत्संग व्यास को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा लिया गया। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका सैनिटाइजेशन चल रहा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उनके ज़रिए से यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पूरे सत्संग भवन को, जो पूरा एरिया है, पूरे एरिए को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है फायर ब्रिगेड द्वारा। यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम फायर के वो अधिकारी भी हैं जो सैनिटाइजेशन करने में लगातार मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि आज यहाँ पर किस तरह से पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की मदद से? नगर निगम की टीम से जो है हमें उसका वो मिला हुआ है और टैंक में डाल करके इसको सैनिटाइज कर रहे हैं पूरा। कितनी गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पर आपकी? नहीं, हमारी फायर की एक गाड़ी है और इसी से हम सैनिटाइज कर रहे हैं। पूरे सत्संग भवन को, जो एरिया है, पूरे को करेंगे? पूरा सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, इस वजह से ऐसे किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये थे फायर ब्रिगेड के अधिकारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो पूरे राधा स्वामी सत्संग व्यास को जो क्वारंटाइन सेंटर के लिए लिया गया है, ऐसे में इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए